खंडवा शहर में हर तरफ दीपावली की जगमग नजर आ रही है। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार में उम्र लोगों को व्यवस्थित करने में पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दो दिनों से मुख्य बाजार में दो और चार पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध है, बावजूद इसके बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है। इस साल धनतेरस दो दिन तक मनाए जाने के चलते बाजार में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को भी बाजार में यही स्थिति रही। हालांकि इस दिन रूप चौदस पर्व भी मनाया गया, जिसके चलते शहर के ब्यूटी पार्लर पर भी भारी भीड़ दिखाई दी। खंडवा ब्यूरो के साथ सिराज खान की रिपोर्ट। रितेश वर्मा, ये आज जो खरीदी कर रहे हैं सब, क्या मानते हैं इसको? ये सर आज के दिन बहुत शुभ रहता है, तांबा पीतल खरीदना, मतलब आज के दिन बहुत बड़ा दिन रहता है तांबा पीतल के लिए। तो इसमें सब तरह की तांबा पीतल में मूर्ति वगैरह, दीपक वगैरह, तांबे के बर्तनों में बर्तन वगैरह, बड़े बड़े जग, तांबे के घड़े वगैरह बिकते हैं, और ये बहुत शुभ रहता है आज के दिन। कौन कौन सी क्वालिटी का है अभी इस बार माल? नहीं, तांबे पीतल में क्वालिटी कुछ नहीं आती है, क्वालिटी एक ही रहती है। और आज के दिन शुभ मानते हैं? आज के दिन मतलब बहुत शुभ रहता है। पहले से इस बार धंधे में क्या कुछ देखने को मिला? पहले मतलब पिछली बार से तो अभी थोड़ा कमजोर है, लेकिन क्या है इस बार दो दिन की दीपावली है धनतेरस, तो इस वजह से क्या है लोगों को कंफ्यूज हुए कि कोई आज मना रहा है कोई कल मना रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।